अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मैं एनटी स्ट्रिक्स और मैं हूं शेरजमीन यूसुफजई। इससे पहले मैं टीटी का पाकिस्तान स्टडी इंग्लिश पोर्शन और उर्दू पोर्शन अपलोड कर चुका हूं और सीटी का जो पेपर हुआ था 24 जनवरी 2021 को वो भी फर्स्ट टाइम मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम का अपलोड कर चुका हूं। ये जो पेपर है ये 23 जनवरी को हुआ है और ये पिंक जो है क्वेश्चन बुक है उसमें इस नंबर पर ये क्वेश्चन मौजूद नहीं हमारे पास। तो चलो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। वैजा कुरियल कुरान फस्तमी लहु आयत में, अच्छा ये आयत कहाँ से है जी? सूरत अल-कमर की है, सूरत अल-इराफ की है, सूरत यूनस की है, सूरह मुजम्मल की है। तो इसमें हमारे पास सूरत अल-इराफ जो है ना, बी जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अजाब अल-हरीक से मुराद है दर्दनाक अजाब, दर्दनाक तकलीफ, दर्दनाक अजाब, जलने का अजाब, गर्म लोहे वाला अजाब। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41 में ये जलने का अजाब, ये सी आंसर हमारे पास करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 42 में, ये आयत है, कौल है, हदीस है, अरबी कहावत है। तो इसमें हमारे पास सी आंसर करेक्ट है, ये हदीस है। तो सी आंसर हमारे पास करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास मक्की सूरतों की तादाद है, तो 85 है, 86 है, 87 है और 88 है। तो इसमें आप 286 का हिंसा याद रखें, तो दो को हटाएंगे तो 86 रह जाएगा, ये मक्की है। और अगर 286 में 6 को आप हटा देंगे तो 28 रह जाएगा, ये मदनी है। ये इसमें ट्रिक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसमें हमारे पास बी आंसर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कुरान मजीद की किताब, अच्छा किताबत के लिए कमेटी में अफराद शामिल थे, 7 थे, 6 थे, 5 थे और 10। तो इसमें थोड़ा सा इख्तिलाफ है, कंट्राडिक्शन है, इसको आप खुद क्लियर कर लें। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 हमारे पास है, 45 क्वेश्चन नंबर 45 है, उसूली अरबा से मुराद है हदीस की कुतब, फिका जाफरिया की हदीस की कुतब, फिका की कुतब और उसूली फिका की कुतब। तो ये हमारे पास बी आंसर करेक्ट है, फिर भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, फिका जाबरिया की अहादीस की कुतुब। अगला क्वेश्चन है, तजाहरून का मानी है तुम जाहिर हो, तुम इजहार करते हो, तुम जहार करते हो, तुम मुजाहरा करते हो, तो तुम जहार करते हो, सी आंसर जो है वो करेक्ट है इसमें, सी आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, रिजान में अच्छा जी में तरकीब है, तोसीफी है, अददी है, इजाफी है और असनादी है। तो क्वेश्चन नंबर 47 में ये सी आंसर हमारे पास करेक्ट आंसर है, इजाफी, ये सी आंसर हमारे पास करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 में, आप ये पस्ती है, शिकस्त है, इकबाल है, लड़ाई, तो ये इकबाल को, सी आंसर हमारे पास करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मस्तूर का लफ्ज सूरह अहज़ाब में इस मानी में आया है, जो जाहिर न हो, तहरीर शुदा, लंबी सतर और पोशीदा। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49 में बी आंसर करेक्ट है, तहरीर शुदा। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और इससे पहले आपको बताता चले, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिले। कोई भी पेपर जो हमें मिलता है एनटीएस का, एफटीएस का, यूटीएस का, टीएसटी, सीटी, डीएमटीटी, एटी, टीटी और कारी, जो भी पेपर हमें मिलता है या जूनियर क्लर्क का, वो हम फौरन जो है ना अपलोड कर लेते हैं सॉल्यूशन के साथ। तो इसलिए चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिले, इसका ये फायदा होगा। अगले क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर, तो इसमें जो है ना फिया का जो है ना क्या मानी है, दुश्मन है, मुनाफिक है, मोमिन है और जमात है। तो ये जमात हमारे पास करेक्ट आंसर है, डी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अल अनफाल का मानी है, तो लूट का माल, चोरी का माल, गनीमत का माल, यतीमों का माल। तो अनफाल कहते हैं माल गनीमत को, यानी गनीमत का माल। तो सी आंसर हमारे पास करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 52, अक्सर तो यानी का मानी है, किस्तों पर ज्यादा उमदा बात, ज्यादा मुनसिफाना बात और इंसाफ। तो इसमें हमारे पास जो है वो सी आंसर करेक्ट है, ज्यादा मुनसिफाना बात, सी आंसर हमारे पास करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कुरान मजीद की किताबत के लिए कमेटी में कितने महाजर शामिल थे। ये दोबारा वही क्वेश्चन, ये दूसरी बार रिपीट हुआ है, तो इस क्वेश्चन को आप खुद क्लियर करें, इसमें थोड़ा सा इख्तिलाफ है, कंट्राडिक्शन है, तो इसको आप खुद इसको क्लियर करें।
क्वेश्चन नंबर 54 जो है ना, पहली वही के बाद आपको किसने दिलासा दिया था? फरिश्ता ने, जिब्राइल ने, हजरत खदीजा ने, वरका बिन नौफल ने। तो नबी अलैहिस्सलाम उस पहली वही के बाद घर आए थे, हजरत खदीजा रजी अल्लाह ने उसको जो है ये दिया है दिलासा। तो क्वेश्चन नंबर 54 में हमारे पास सी आंसर जो है वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद जो है ना वो अपने चचा जाद भाई वरका बिन नौफल के बाद जो है ना उसको लेकर जो तौरात और इंजील के जो है ना आलिम थे, लेकिन पहले जो है ना उसको जो है हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने उसको दिलासा दिया। तो इसमें हमारे पास सी आंसर जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55। अच्छा जी, 55 क्वेश्चन है हमारे पास। तुम तो इसमें दुश्मनों से, अच्छा जी, दुश्मनों से, मुनाफिकीन से, मोमिनों से, कुफार से। तो इसमें हमारे पास 55 में डी आंसर करेक्ट है, कुफार से। वालमु अन्नल्लाह, अच्छा जी, अल्लाह ताला जो है ना कायल होते हैं जी। अच्छा, फरिश्ता, बंदा, रसूल और अल्लाह, तो की जमीर कीजिएगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 56 में बी आंसर, यानी बंदे और जो है उसके दिल के दरमियान, तो ये बी आंसर हमारे पास करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है सियासी जमा है 57 में, तो ए, बी और सी और डी। तो इसमें ये बी आंसर जो है ये हमारे पास करेक्ट आंसर है, बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ताकि आपका टाइम जाया ना हो तो इसलिए जल्दी जल्दी, थोड़ा सा पेपर ज्यादा है तो कोशिश करें कम से कम टाइम में। वैसे हम 8 से 10 मिनट तक की वीडियो बनाते हैं, इससे लंबी वीडियो बनाते भी नहीं है। वला तनाज़ो, अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 58 में तफशलू से क्या मुराद है? मुकाबला करोगे, हिम्मत हार जाओगे, बुजदिल हो जाओगे, मार दी जाओगे। तो इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 58 है सी आंसर, बुजदिल हो जाओगे, इसका ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 59 है हमारे पास। वालमु अन्नल्लाह, वही उसी क्वेश्चंस में एक और बात इसकी पूछ ली गई है कि मैं, बंदा और इसके दिल के दरमियान कौन हायल होता है? तो अल्लाह हायल होता है जो दिलों के बीच जानता है। तो फरिश्ता है, बंदा है, रसूल है, अल्लाह है। तो इसमें 59 में हमारे पास जो करेक्ट आंसर है तो ये हमारे पास डी आंसर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। जी, अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60। योगशी से मुराद है ऊंग और शान व शौकत और तारी कर देता है गर्दने। तो इसमें हमारे पास सी आंसर करेक्ट आंसर है, तारी कर देता है। अच्छी, क्वेश्चन नंबर 61 में हमारे पास क्या करेक्ट है? वादी के करीबी जानेब, वादी से बाईद की जानेब और वादी की तरफ, वादी से पहले। तो इसमें हमारे पास 61 में सी आंसर करेक्ट है, वादी की तरफ। 61 में बी हमारे पास सॉरी करेक्ट है, वादी से बाईद की जानेब, ये बी आंसर हमारे पास करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कुरान मजीद कहां से उतारा गया? सातवें आसमान से, पहले आसमान से, लोहे महफूज से और दूसरे आसमान से। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है, लोहे महफूज से, सी आंसर हमारे पास करेक्ट आंसर है। नजूल वही का जमाना है सालों में 21, 22, 23 और 24। तो ये 23 साल के अरसे में कुरान मजीद का जो नजूल है वो मुकम्मल हुआ। तो ये इसमें सी आंसर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 63 में सी आंसर हमारे पास करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चंस की तरफ, 64 क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन 64 में हमारे पास करेक्ट आंसर है, मैं कौन मुहातिब है? अच्छा जी, औरतें हैं, नेक मर्द है, नबी की बीवियां हैं, नेक बच्चियां हैं। तो इसमें हमारे पास नबी की बीवियां मुहातिब हैं। तो ये सी आंसर हमारे पास करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, वमा कान अल्लाह लियज़िबहुम। तो इसमें है, मैं कौन अजाब नहीं देता? फरिश्ता, बंदा, रसूल और अल्लाह। तो 65 में हमारे पास जो है ओडी आंसर, अजाब देता ही अल्लाह ही है। तो ये कौन अजाब नहीं देता? अल्लाह अजाब नहीं देता, डी हमारे पास करेक्ट आंसर है। वही का लुगवी मानी है
कही हुई बात खुफिया इशारा उतरना और नाजिल होना, तो इसमें हमारे पास जो है बी आंसर है, करेक्ट है। खुफिया इशारे को कहते हैं ना चुपके से दिल में बात डाल देना, यानी खुफिया इशारा है, तो ये बी आंसर हमारे पास करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास सहायसित से मुराद जो है अहदीस की कुतुब है, अहदीस की सही कुतुब है, अहदीस की छह कुतुब है, अहदीस की छह सही कुतुब है, तो इसमें हमारे पास 67 में डी आंसर हमारे पास करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास रिज शैतान में, अच्छा शैतान है मजाफ है, अच्छा जी मुसनद है, मुसनद है, अच्छा जी मजाफ इले है और मसनद इले, तो इसमें हमारे पास जो है वो सी आंसर 68 में हमारे पास सी आंसर करेक्ट है, मजाफ इले है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69, तो ये पेज तो थोड़ा सा ब्लर है लेकिन फिर भी इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसमें हम करेक्ट आंसर बता देते हैं बगैर असले और फौत के, शान व शौकत और अजमत व हिम्मत और जंग व जजल, तो 69 में हमारे पास ये आंसर करेक्ट है, बगैर असलहा और कुवत के ये जो है ना ये आंसर हमारे पास करेक्ट आंसर है। वमा जाला, तो ये क्वेश्चन नंबर 70 में दुआएं और तकलीफें सबके बेटे मुंह बोले बेटे, तो ये कहते हैं अदिया जो है ना कहते हैं मुंह बोले बेटे को, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 70 में है वो डी आंसर करेक्ट है, मुंह बोले बेटे। चलिए अगला क्वेश्चन है मजीद का मानी है बाबरकत बड़ी उम्र वाला बुजुर्ग और पाकीज़ा, तो इसमें हमारे पास 71 में सी आंसर यानी बुजुर्ग को कहते हैं, ये सी आंसर हमारे पास करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 72, मक्की सूरतों के जुमले बहुत बड़े हैं, बहुत लंबे हैं, छोटे छोटे होते हैं, महातिब अच्छा मुसलमान है, तो 72 में हमारे पास करेक्ट आंसर है छोटे छोटे होते हैं और मदनी जो है वो तवील है, तो ये सी आंसर हमारे पास करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है वमा जाला अदिया को मिन, अच्छा जी तरकीब क्या है, इजाफी है, असनादी है, अददी है और तरकीबी है, तो 73 में हमारे पास इजाफी है, ये जो है ना ये आंसर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 70, अच्छा जी ये पेज है 16, तो यहीं पर तकरीबन अच्छा जी ये तो मैं सॉल्व कर चुका हूँ, तो ये 16 पेज इतनी क्वेश्चंस हमें मिले हैं, जो बाकी क्वेश्चंस मिलेंगे तो वो भी इंशाल्लाह जल्द अपलोड कर लेंगे, तो यहाँ तक आप इसको कर लें, तो इंशाल्लाह बाकी पोर्शन जो है थोड़ा बहुत बाकी तो हम इसका पाकिस्तान स्टडी इंग्लिश और उर्दू पोर्शन पहले ही अपलोड कर चुके हैं, उसमें उसका लिंक इस वीडियो के जो है ना डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहां से आप उसको भी चेक कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स।